बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं मसूर, सोयाबीन, मोटे अनाज, जीरे और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार रवि सिंह से भाव पर चर्चा भी होगी। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बंदायू मंडी में मसूर के सौदे 6,890 रुपए पर हुए। सुल्तानपुर मंडी में 110 रुपए बढ़े भाव। और अब बात करते हैं सबसे पहले मसूर की, तो आइए जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मसूर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें, ज्यादातर मंडियों में मसूर के भाव में मिला जुला रुख रहा। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुए सौदे। इसके अलावा इसके कारोबार पर पेश है हमारी एक रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की ही मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव की बात करें तो मंडियों में मसूर का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर सौदे हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 19 अगस्त को मसूर का भाव रहा 6,890 रुपए। 21 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,890 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में भी मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 19 और 21 अगस्त को मसूर का भाव 6,810 रुपए पर टिका रहा, जबकि यहीं की सुल्तानपुर मंडी में 19 अगस्त को मसूर का भाव रहा 7,000 रुपए, जो कि 21 अगस्त को 110 रुपए की मजबूती के बाद 7,110 रुपए पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 अगस्त को मसूर का भाव था 9,600 रुपए, 21 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 9,500 रुपए पर हुए। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन ही रही थी। आइए मसूर पर अपना थोड़ा और ज्ञान बढ़ाते हैं और हमारे जो बाजार के जानकार हैं रवि सिंह जी से उनसे अपनी बातचीत करते हैं। नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न यहाँ पर उठता है, अभी हमने मसूर के बारे में जाना, तो मौजूदा हालात को देखते हुए मसूर के बारे में क्या संभावना लग रही है? मसूर के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर डिमांड निकल कर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से दामों में 5-8% की तेजी आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी मंडियों में देखें तो काफी हद तक स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ पर थोड़ी सी तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है तो किसानों को आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर मसूर का स्टॉक है, उन्हें अपना स्टॉक धीरे धीरे करके मंडी पे निकालना चाहिए और आने वाले 15 दिन के बाद से मंडी का रुख कर सकते हैं और अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी, आप हमारे साथ ही बने रहिएगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बाकी की सुर्खियों की तरफ नजर डालते हैं। दाहोद मंडी में सोयाबीन की खरीद 4,950 रुपए पर हुई। ललितपुर मंडी में 4,340 रुपए रहा भाव। धरोल मंडी में 47,000 रुपए रहा जीरे का भाव। जोधपुर मंडी में 48,750 रुपए पर हुआ कारोबार। और अब बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सोयाबीन की खरीद फरोख्त तेजी के साथ हुई।
वहीं इन दिनों इसकी आवक भी सीमित रही। सोयाबीन के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो अधिकतर मंडियों में बीते दो दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी का रुख रहा। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 19 अगस्त को यहां सोयाबीन के सौदे 4,900 रुपए पर हुए। 21 अगस्त को यहां सोयाबीन का भाव 50 रुपए बढ़कर 4,950 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 19 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 4,795 रुपए, जो कि 21 अगस्त को 95 रुपए के उछाल के बाद 4,890 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही खातेगांव मंडी में भी सोयाबीन के भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 21 अगस्त को इसका भाव 400 रुपए की भारी मजबूती के बाद 4,500 रुपए से 4,900 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सोमवार को सोयाबीन का कारोबार 4,340 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129,87,000 टन रही थी। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 123,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 122,47,000 हेक्टेयर में हुई है। तो ये देखिए आपने सोयाबीन पर हमारी रिपोर्ट। और अब हम एक बार फिर अपने जो बाजार के एक्सपर्ट हैं उनसे जुड़ते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि जी, सोयाबीन के भाव जो है आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? सोयाबीन के दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। खास तौर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंडियों में यूपी, एमपी और राजस्थान सभी मंडियों में काफी हद तक आवक जो है वो सामान्य है। डिमांड भी उसी हिसाब से देखने को मिल रही है। और आगे आने वाले समय में अगर देखा जाए तो सितंबर और अक्टूबर तक में इसके दामों में कम से कम 10% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो अभी तेजी का दौर है वो थोड़ा सा गिरता हुआ सा नजर आ सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर सामान आवक की वजह से दाम एक स्थिरता के दौर में देखने को मिल रहे हैं। तो आपने जैसा ये पूर्वानुमान बताया, इसके अनुसार जो हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं इससे सोयाबीन से, वो कैसे उनको क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर सोयाबीन का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करके जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे सीजन की जैसे ही फसल और आनी शुरू होगी तो यहाँ पर दामों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। तो अभी के हिसाब से यहाँ पर एक बार को स्टॉक निकाल देना चाहिए। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, अभी आपके साथ और सवाल जवाब हम करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं करेले की। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 2,000 रुपए। हिमाचल की पालमपुर मंडी में रहा 2,350 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रहा 2,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में रहा 2,060 रुपए। ये सभी भाव जो है आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मोटे अनाज की। फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बाजरे की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1920 रुपए, राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 2147 रुपए, उत्तर प्रदेश की अतरौली मंडी में भाव रहा 1600 रुपए। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर हिस्सों में ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते से आगे चल रहा है। साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई 68,81,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 68,03,000 हेक्टेयर में हुई थी। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी, यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13,00,000 टन से ज्यादा हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अब हमारे साथ रवि सिंह जी फिर एक बार जुड़ेंगे फोन लाइन पर। हम उनसे सीधा सवाल करते हैं कि बाजरे के भाव की क्या स्थिति रह सकती है। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बाजरे के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है, और इस बार अगर मंडियों में देखा जाए तो काफी हद तक जो है वो आवक सामान्य है। सिद्धपुर, यूपी और अरौली की मंडी में भी यहाँ पर भाव जो है वो एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिलेगा और दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे, लेकिन आगे आने वाले अक्टूबर और नवंबर तक इसके दामों में 5 से 8% की तेजी हो सकती है, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो मंडी डिमांड भी ज़्यादा निकल कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो किसान भाई हमारे बाजरे की खेती से जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है, उन्हें बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए, और अगर ज्यादा दिन रुकते हैं तो फिर अक्टूबर और नवंबर तक आप अपना स्टॉक निकालेंगे तो आपको यहाँ से बेहतर मुनाफा मिल पाएगा। जी, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब जौ की बात करते हैं। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1955 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में रहा 1633 रुपए, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में रहा 2040 रुपए, और उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी में रहा 1700 रुपए। ये सभी भाव जो है आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रागी की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को रागी की आवक सीमित रही। इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की मंजेरी मंडी में रागी का भाव रहा 3,750 रुपए, वहीं तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में रागी के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ रागी की बुआई 5,91,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 4,43,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी, यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ये हमने बात की रागी की, और अब रागी से जुड़ा हुआ हम एक बार प्रश्न कर लेते हैं। हमारे साथ फिर से रवि जी जुड़ रहे हैं। रवि जी, रागी की अभी हमने बात की, तो किस ओर रागी के भाव जाते दिखाई दे रहे हैं आपको आगे?
रागी की इस बार जो है वो आवक अच्छी देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत ज्यादा दामों में उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है और पैदावार भी अगर देखी जाए तो सामान्य यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी रागी की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में इसके दामों में एक स्थिरता का दौर ही यहाँ पर बना रहेगा। तो ऐसे में जो किसान भाई हमारे रागी की खेती से जुड़े हुए हैं, रागी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास रागी का स्टॉक है तो धीरे धीरे आपको अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दामों में तेजी का ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं रहेगा। तो आप अपना स्टॉक इन भावों पर धीरे धीरे करके मंडी का रुख करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में बात करेंगे ज्वार की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,050 रुपए, यहीं की ध्रुवल मंडी में रहा 4,600 रुपए, यहीं की जम्बूसर मंडी में रहा 2,800 रुपए, गुजरात की ही पोरबंदर मंडी में रहा 5,690 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आगे जाने जीरे और टमाटर का हाल। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। अब बात आम की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में आम का भाव रहा 9,500 रुपए, केरल की मंजेरी मंडी में रहा 4,050 रुपए, पंजाब की जलालाबाद मंडी में रहा 6,000 रुपए, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में रहा 3,850 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। फिलहाल अब बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सीमित है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 47,000 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 48,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में 5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे के निर्यात पर भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 टन के पार पहुंच गया है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। तो जीरे की हमने बात की, एक बार हम अपने फिर बाजार के एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं। रवि जी, जीरे के भाव किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? जीरे के दामों में हाल फिलहाल में काफी हद तक एक तेजी का दौर देखने को मिला था। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो डिमांड निकल कर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जीरे के दामों में अचानक से एक तेजी का दौर देखने को मिला था। फिलहाल अभी आवक सामान्य है और खास तौर से ऊंचा की मंडी में देखा जाए तो जीरे के दाम एक स्थिरता के दौर में देखने को मिल रहे हैं। अगर आगे की बात करें तो जीरे के दाम अभी दिसंबर तक
10-12% की तेजी यहाँ पर दिखा सकते हैं और दामों में ये तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। तो जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है जो जीरे से संबंधित है? जिन किसान भाई बहनों के पास जीरा है उनको बिल्कुल अभी मंडी के लिए थोड़ा रुकना चाहिए और अक्टूबर नवंबर के बाद मंडी का रुख करें, जिससे कि जो तेजी का ट्रेंड है उसका आपको फायदा यहाँ पर मिल सके। फिलहाल अगर किसान भाई बहनों को जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा रुक कर ज्यादा मुनाफा बढ़ सकता है। जी, आपकी इन सभी सलाह और इन सभी बातचीत के लिए आप हमारे साथ जुड़े उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमारी सहायता करते रहिएगा, धन्यवाद। और अब हम आखिर में बात करते हैं टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,650 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए, राजस्थान की गोलूवाला मंडी में टमाटर के सौदे 3,500 रुपए पर हुए, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और अब बात करते हैं अनार की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव रहा 6,500 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का भाव रहा 6,450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। और अब हम बात करते हैं लौकी की। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 2,900 रुपए, यहीं की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 750 रुपए, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 810 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। आशा है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता अवश्य मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करें जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सीधे आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी जुड़ जाएंगे और इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मन की बात।